देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित वैदिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक महाकुंभ में शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई विधायक और सांसद भी शामिल हुए। भाजपा सांसद और गुरुकुल के सतपाल सिंह का कहना है कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की थी और अपना सब कुछ गुरुकुल के लिए समर्पित कर दिया था। देश की आज़ादी में गुरुकुल से जुड़े लोगों ने काफी सहयोग किया था। आज गुरुकुल कांगड़ी में विज्ञान दिवस पर स्वामी श्रद्धानंद जी के 75वें बलिदान 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने महर्षि दयानंद के सपनों और संकल्पों को साकार करने के लिए 1902 में स्थापित किया था, उसके लिए सब कुछ समर्पण कर दिया था। जिस गुरुकुल विश्वविद्यालय ने इस देश और विदेश को हजारों ऐसे स्नातक दिए जिन्होंने स्वराज्य के लिए, देश की आज़ादी के लिए, स्वसंस्कृति और स्वभाषा के लिए रात दिन काम किया, महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के 97वें बलिदान दिवस पर इस विश्वविद्यालय ने आज 3 दिवसीय वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया है और उसके लिए आज भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी स्वयं उपस्थित हुए अपनी विदुषी धर्म पत्नी के साथ। जो विचार उन्होंने व्यक्त किए कि 2047 तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि इस देश को हम विश्वगुरु बना करके रहेंगे, पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, उसके लिए इस विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये जिस प्रकार से देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का TMC के एक सांसद द्वारा जिस प्रकार से खिल्ली उड़ाई गई, मिमिक्री की गई, उस पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी द्वारा जिस प्रकार से वीडियो बनाया गया, जिस प्रकार से कांग्रेस के एक दूसरे नेता ने, राज्यसभा के एक सांसद श्री राजीव शुक्ला ने जिस प्रकार से उनकी तरफ इंगित करके ये कहा, ये सोशल इंजीनियरिंग का परिणाम वो भुगत रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस बात से हम सब लोग आहत हैं, पूरा कृषक समाज इस देश का आहत है, इस बात को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा।